जानते हो कि ओपन एयर मिलना कितना मुश्किल होता है, तो माय हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम हु थॉट ऑफ सच अ लवली आइडिया। और ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को घर छोड़ के अकेले ही आना पड़ेगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि एक फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट है। और यहाँ बहुत अच्छे वैराइटीज़ भी है डिशेज़ में, तो उन्होंने हर चीज़ कवर कर दी है जो एक फैमिली को चाहिए होगी आउटिंग के लिए। अपने वैरायटीज के बारे में आपने कुछ टेस्ट किया? हाँ, उन्होंने मुझे मेरे घर पे कुछ खास चीज़ें भेजी थी, तो मैंने सैम्पल पहले ही कर दिया था आने से पहले, तो बहुत अच्छा था और बहुत टेस्टी था, तो आई एम श्योर सब उनको पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देना चाहिए? सजेस्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको करूँगी, इसलिए मैं तो न्यूज़ पे बोल रही हूँ कि आना चाहिए यहाँ पे। कितना आप कितना फूडी हैं माशाल्लाह? मैं बहुत फूडी हूँ, मेरे रग रग में फूड बसा हुआ है। तो लोग मुझे देखते और कहते कि नहीं बिल्कुल ये सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मेरे फैमिली को और फ्रेंड्स को पूछोगे खाते हैं कि नहीं खाते, तो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कहाँ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं पता ही नहीं रहता। मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे बिना खाने का मुझे हेडेक हो जाता है, और मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना चाहिए ऐसी कुछ। खाना खाओ, अच्छे से खाओ, हेल्दी खाओ, कभी चीटिंग भी करो, रेस्टोरेंट पे भी आओ और एक्सरसाइज करो, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। देसी मैजिक भी आ रहे हैं भाई सुपरस्टार के बाद में, क्या कहने चाहिए, कितने एक्साइटेड उसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, इसमें मैं डबल रोल का किरदार भी कर रही हूँ, तो मेरे ऑडियंस ने जो इतने सालों से मेरा सपोर्ट किया है, उनको एक नहीं दो दो अमीषा पटेल देखने मिलेंगे स्क्रीन पे, तो ये मेरे लिए भी अलग तरीका का एक्सपीरियंस था। सही माने जाए तो ये मेरे लिए डबल रोल नहीं ट्रिपल रोल है, क्योंकि प्रोड्यूसर का भी रोल मैं कर रही हूँ, तो सामने कैमरा के सामने दो और कैमरा के पीछे एक रोल। नॉवल सरीका का प्रोडक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपका क्या मानना है? बहुत डिफ़िकल्ट है ये, हर किसी की बात, हर किसी के बस की बात नहीं है, एक बहुत तगड़ा जिगर होना चाहिए प्रोडक्शन एंट्री करने के लिए, और एक क्रिएटिविटी भी। इट्स नॉट कि आपके पास चलो आप पैसा लगाना चाह रहे हो और आप कैसी भी फिल्म बनाओ, आजकल ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म, का कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए, और वो एक ट्रेलर देख के उनको पता चलता है कि वो एक फिल्म के लिए आना चाहेंगे या नहीं। तो क्रिएटिविटी और स्क्रिप्ट पे मेहनत, म्यूज़िक पे मेहनत, लोकेशन पे मेहनत बहुत ज़रूरी है कि आप एक फिल्म बनाओ और ना कि एक सिर्फ एक प्रोजेक्ट। आज के समय में कंटेंट ही किंग है, सभी बोलते हैं, और ये माना भी गया है, देखा भी गया, बड़ी फिल्म भी फ्लॉप हुई है, थोड़ा सा बता सकते हैं आपके फिल्म में क्या है? वेल, ये सही वक्त पे मैं बहुत बनाऊंगी, लेकिन ये एक जैसे एक फैमिली एंटरटेनर है, जैसे अमीषा पटेल जानी जाती है पहले फिल्म से, कहो ना प्यार है से रेस टू तक, भूल भुलैया हो या हनीमून ट्रैवल्स हो या हमराज हो, मैंने हमेशा ऐसी फिल्में की हैं जो एक फैमिली बैठ के साथ साथ दे सके। ऐसा नहीं है कि एक नीश ऑडियंस हो और बच्चे नहीं देख सके, बुजुर्ग नहीं देख सके,
मैं हमेशा खुश होती हूँ कि हर तरह की ऑडियंस मेरी फिल्म देखे. उसमें म्यूज़िक पे हमने बहुत ध्यान दिया है कि हर किसी के लिए कहीं ना कहीं हमारी फिल्म में उनको एक चाहता गाना ज़रूर मिलेगा. पूरी एल्बम ही उनको पसंद आएगी लेकिन एक फेवरेट गाना हर एक के होंठों पे ज़रूर होगा. तो हमने इसको कोशिश की है कि हम पूरा कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर एक मसाला हिंदी फिल्म बनाएं. मैडम आई हैं लॉन्च पे आपके. मैं तो इनका पहले से फैन हूँ तो डिसाइड किया अब सर ने और मिलने मिलके कि किसको बुलाएंगे. तो अभी मैडम का इधर इवेंट भी हुआ था एक तो हमने सोचा कि इनको ही बुला लेंगे. ओके तो जद्दोजहद करनी पड़ी कि आसानी से मान गए आने के बाद. नहीं बहुत अच्छा नेचर है एक दो मीटिंग में तो हो गया. तो सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे. बस मैडम के बारे में तो मैं क्या कहूँगा. मैडम ने हमारा जैसा ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया. और मैडम तो मैडम और मैं हम दोनों गुजराती है तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. अच्छा आपको पता है मतलब भरोसा है कि मैडम बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर. एक्चुअली मुझे लगता है कि अच्छे काम के लिए लोगों को पता ही रहता है कि मैं पहुँच जाऊँगी. हाँ और एकदम शार्प टाइम पे मैडम ने ये किया हमको. बिल्कुल अच्छा मौका है बहुत ही शुभ दिन है अच्छे कार्य को स्टार्ट करने के लिए. तो जैसे इन्होंने ये रेस्टोरेंट आज खुला है तो एक बहुत ही शुभ अवसर पे खुला है गणेश जी के पहले दिन पे. तो लाभ ही लाभ हो और शुभ ही शुभ हो. और गणेश जी की का ये त्यौहार मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक बहुत ही चाहता त्यौहार है बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है. और हमारी देसी मैजिक की फिल्म की तरह ये पूरी फैमिली त्यौहार है. कौन सा प्यार की बात की आपने मैम ऋतिक के सुपरहिट आके के खड़ा रही है कितने एक्साइटेड उसके लिए आप. मैं ऋतिक के हर फिल्म के लिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि वो मेरे फ्रेंड भी है मेरे पहले कोस्टार भी है और मेरे फैमिली फ्रेंड बचपन से रह चुके हैं. तो मैं तो चाहती हूँ कि ऋतिक आसमान छू जाए हॉलीवुड की फिल्में करे और वहाँ उनको तगड़ा सा कॉम्पिटिशन दे. कुछ बातें हुई है हमारी तो हर दो तीन दिन में बातें होती है. ऋतिक एंड आई ऑलवेज इन टच. उसका बर्थडे हो या फिलहाल ही में उनके नाना जी गुजर गए थे तो बात तो हुई थी उनसे भी उनकी मम्मी से भी क्योंकि मम्मी के पिताजी थे राकेश अंकल से भी. तो मैं हमेशा फैमिली के टच में रहती हूँ. थैंक यू. गणेश चतुर्थी विश कर दीजिए मैम. सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही शुभ गणेश चतुर्थी. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैम 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 यू आर राइट मैम. थैंक यू.